नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। शुरुआत कर रहा हूँ आज एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग से। कैरोली टैकॉक्स, एक हंगरी के नागरिक जिन्होंने 1938 में एक पिस्टल शूटिंग में नेशनल रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड मेडल जीता, लक्ष्य रखा कि 1940 में होने वाले ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल हासिल करूँगा, लेकिन एक हादसे में उनका दाहिना हाथ जिससे वो शूट किया करते थे उसे काटना पड़ा। अब एक व्यक्ति बहुत ही निराश हो सकता है, हताश हो सकता है कि मैंने जो स्वप्न देखा था वो तो अब पूरा नहीं होगा, लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस की और अगले वर्ष फिर से अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया हंगरी में। 1940 में उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूंगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वो नहीं हो पाया। ओलंपिक जब 1948 में हुए उन्होंने करतब कर दिखाया और लंबी प्रतीक्षा के बाद, लंबे अभ्यास के बाद उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया ओलंपिक में, न केवल 1948 में बल्कि 1952 में भी। और वो अकेले ऐसे पिस्टल शूटर हैं जिन्होंने दो बार लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। मित्रों, ये दिखाता है मन की दृढ़ इच्छा शक्ति को। यदि हम ठान लें तो सफलता हमारे कदम चूमती है। एक व्यक्ति जो अपने हाथ को खोकर, जिससे वो शूट किया करते थे, बाएं हाथ से भी प्रैक्टिस करके जब ऐसा कारनामा कर दिखा सकते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। और कुछ ऐसा ही है आज का सुंदर सुवाक्य। नमस्कार। सफलता हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति से उत्पन्न होती है। सफलता हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं। हर छोटा और बड़ा व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता की कुंजी क्या है? What is the key to success? कभी कभी हम सफलता के लिए प्लान भी करते हैं, प्रिपेयर भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसी हमें सफलता मिलनी चाहिए वैसी हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है। तो उसके लिए कौन सी ऐसी की है जिससे कि हम हर छोटे और बड़े कार्यों में, अपने घर में, ऑफिस में, संबंधों में, हर बातों में हम सफल रहें? तो उसका बहुत ही सहज साधन है कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि दृढ़ संकल्प रखें। तो जब हमारे जीवन में सुबह से ही दृढ़ संकल्प रहेगा कि मुझे अपने निर्णयों में दृढ़ता रखनी है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए आज पूरा दिन, पूरे जीवन का संकल्प लें कि हम एक दृढ़ इच्छा शक्ति अपने जीवन में बनाए रखेंगे, चाहे फिर कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। मित्रों, मन की दृढ़ता हमें सफलता दिलाती है, शिखर की ओर ले चलती है और जीवन को हर प्रकार से भरपूर कर देती है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमारा तन संपूर्ण स्वस्थ रहे, क्योंकि मन तो शक्तिशाली है लेकिन तन का भी साथ देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तन को भी स्वस्थ रखना हम सबका दायित्व है। तन के सभी अंगों का ध्यान रखना ये भी हमारा दायित्व है। किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, जब कभी वो खराब होने लगता है तो शारीरिक तकलीफ बढ़ने लगती है और हमारी सफलता में, शिखर की ओर चलने में व्यवधान पैदा होने लगता है। क्यों किडनी खराब होता है, कैसे हम इसका ध्यान रखें, आज इस पर ही सुंदर प्रकाश डॉक्टर साहब लेकर आए हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारी किडनीज हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं और हर किडनी में लगभग 1 मिलियन, लगभग 10 लाख ग्लोमेरुलाई होती हैं। जैसे छन्नी होती है ना, हम चाय छानते हैं, ऐसे हमारे यहाँ हमारे किडनी में
खून को छानने के लगभग 10 लाख छन्नी हर किडनी में होती है, और ये किडनी जो है हमारी लगभग 100 ml खून को एक मिनट में छान देती है, अर्थात पूरा का पूरा खून, लगभग 5 लीटर खून हर घंटे में साफ होता है। जैसे हम डायलिसिस कराते हैं एक दिन में या दो दिन में, तो उसके इतने पैसे 2,000-2,500 रुपये लगते हैं, लगभग खर्चा 2,000-2,500 का होता है, किंतु हमारी किडनीज जो हैं हर घंटे में खून साफ़ करती है, तो 24 घंटे में 24 बार खून साफ होता है दोस्तों। तो किडनी हमारे खून से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा सॉल्ट, सब बाहर निकाल देती है, सारे जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देती है, और हमारा खून स्वच्छ खून एडिक्वेट अमाउंट में यूरिया क्रिएटिनिन बॉडी में बहता रहता है, जिससे हमारे सारा सिस्टम ठीक से कार्य करता है दोस्तों। किंतु ये किडनी जो है देखने में किडनीज की बीमारी बढ़ती जा रही है, आजकल लोग डायलिसिस पे बहुत जा रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता पड़ रही है। दोस्तों याद रखें, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आपको अगर डायबिटीज़ है, आपको अगर हार्ट की बीमारी है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी फेलियर है, घर में आपके माता पिता को, भाई बहनों को, किसी को भी किडनी की बीमारी है, तो आपको किडनी ख़राब हो सकती है दोस्तों। तो इसके लिए अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कंट्रोल रखें, दवाइयाँ ठीक ढंग से लें, खान पान का परहेज रखें, रोज़ सैर करें, और ऐसे ही डायबिटीज़ के लिए भी आप अपना भोजन को ठीक करें, दवाइयाँ लें, सैर रोज करें, प्रॉपर समय पर सोएं। तो ये मैं समझता हूँ, अगर आप डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और स्मोकिंग को अवॉइड करें, अपना वेट मेंटेन करें, तो आपको किडनी डिजीज़ से राहत मिल सकती है, किडनी आपकी बाद डैमेज कम होगी, आपका जो है ब्लड, मैंने से बताया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ तीनों से बचें, और जो पेन किलर्स हैं, क्योंकि पेन किलर किडनी को ख़त्म कर देते हैं, कभी भी कोई दर्द होता है शरीर में, अवॉइड पेन किलर्स, आप लोकल थेरेपी करें, कुछ भी फिजियोथेरेपी कर लें, या आप खाना भी पड़े तो पैरासीटामोल खा लें, तो उस पैरासीटामोल इक्वली हेल्प करती है पेन कम करने में, या फिर जैसे और दूसरी दवाइयाँ आती हैं जिसमें थोड़ी मात्रा में ट्रामाडोल मिक्स रहती है, तो आपकी पेन एलिवेट हो जाती है, जिससे किडनी आपकी सेफ रहती है। तो दोस्तों याद रखें, किडनी आपके जीवन का अमूल्य अंग है, जिसको रिप्लेस करना, रिप्लेस करने के बाद भी लाइफ इतनी अच्छी नहीं हो पाती, और डायलिसिस कराना अल्टरनेट डे 4 घंटा लगना, तो इससे बचने के लिए आप अपनी किडनीज को मेंटेन करें, और जो बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, या फैमिली हिस्ट्री है, या पेन किलर्स खाते हैं, तो उनको अवॉइड करें और अपनी बीमारी को प्रॉपरली मैनेज करें। ओम शांति। तो अपने शरीर का संपूर्ण ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन में आगे से आगे की ओर बढ़ते चलें। मित्रों, कुछ विशेष अनुभव भी हमें प्रेरित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ अपने जीवन को संवारने के लिए। किसी ने कहा है कि सारे अनुभव आप अपने जीवन में खुद ही नहीं कर सकते, औरों के अनुभवों से सीख करके भी हमें अनुभवी बनना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए विशिष्ट जन की बातें विशेष में हम ऐसे ही अनुभवियों को आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक बसंत देखे हैं, और शिखर की ओर चढ़ते हुए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है। किस प्रकार शिखर की ओर बढ़ने में आध्यात्म मदद करता है, मूल्य मदद करते हैं, सुंदर अनुभव मदद करते हैं, यही बातें हमारे विशिष्ट जन हम सबके सम्मुख रखते हैं। आइए देखते हैं कि आज के विशेष मेहमान कौन हैं और हमसे क्या साझा कर रहे हैं। बैड न्यूज इज गुड न्यूज, दैट्स बिकम द ट्रेंड, पर्टिकुलरली आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन, वेयर देयर आर सो मेनी चैनल्स, देयर सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द व्यूअर टू माय चैनल। सो इफ आई शुड कीप द व्यूअर्स, If I should keep the ratings, my biggest enemy, the remote. The remote in the hands of the lady at home. She's very, very, very impatient. Mm-hmm. She keeps on switching. Right. And if I should delay her finger on the remote when my channel is on, I must say something very shocking. And unfortunately, yes, that's... even in the drawing room, have you seen the television serials? If you see most of the successful serials, you have the mother-in-law, the daughter-in-law, the other-in-law, the villains. So much of negativism, and people are glued, looking like that. Right. And then in the lunchroom, in the office,
they discuss it. Did you see what happened today? As if it happened in the neighbor's house. This is very, 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 very wrong. Right. There are newspapers. In fact, we make it a point. Page 2 anchor must be a feel-good story. In Deccan Chronicle, we had a series called Angels on Earth. That's lovely. What people, you know, just ordinary people, not very, you know, glamorous people. You know, somebody who is just a mechanic, a car mechanic, he is also collecting blood for emergencies. Somebody who has done a life term for a murder, he has come out and he is now serving people. And his wife is a counselor, local counselor. We have done stories like that. And let me tell you something gladly, that the kind of responses we get for such stories is very encouraging. मित्रों कहते हैं कि व्यक्ति साधनों से नहीं लेकिन साधना से महान बनता है, भावनों से नहीं लेकिन भावना से श्रेष्ठ बनता है, केवल उच्चारण से नहीं लेकिन उच्च आचरण से महान बनता है। और यही महानता, यही श्रेष्ठता, यही साधना का सुंदर पथ ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखाती हैं, क्योंकि यही तो जीवन का मूल है, यही तो जीवन का सार है कि हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ें। कैसे ये सुंदर कार्य वो जन जन तक पहुँच कर करती हैं, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव सेवा केंद्र ने बाबा की कुटिया का सुंदर निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन माउंट आबू से आई वरिष्ठ राज्यक शिक्षिका बीके उषा ने अपने हस्त कमलों से किया। इस उपलक्ष्य में सेवा केंद्र की बीके बहनों ने पब्लिक प्रोग्राम किया, जिसका विषय रहा सुख शांति सफलता का मूल मंत्र। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराष्ट्र बैंक के चेयरमैन घनश्याम अग्रवाल, गढ़ नेता अधिकारी जीवन चौधरी, बीके उषा, जलगांव सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी, चोपड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस सुंदर मौके पर बीके उषा ने सुख शांति सफलता का आधार बताया दृढ़ता। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। दृढ़ता बहुत आवश्यक है। जीवन में कुछ भी हासिल करना हो तो सबसे पहले दृढ़ संकल्प अपने मन के अंदर करने की आवश्यकता है। लक्ष्य स्पष्ट हो, जितना हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है, मन के अंदर दृढ़ संकल्प होता है, तो फिर पुरुषार्थ उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ने लगता है। कार्यक्रम के अंत में बीके उषा ने उपस्थित सैकड़ों लोगों को राज्यक मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। मित्रों कुछ वर्ष पूर्व मेरे एक मित्र से मेरी चर्चा हो रही थी। उसने ये कहा कि मेरी पूरे ही जीवन की स्टोरी में, वो कैसी भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो बिल्कुल नहीं होगी कि इस बंदे ने अपने जीवन में हार मान ली। मैं हार नहीं मानूंगा, ये शब्द बिल्कुल ही मेरे जीवन की स्टोरी में रहेगी कि मैं बिल्कुल हर परिस्थिति में जीत दर्ज करूंगा, संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा, अपनी दृढ़ता को कायम रखूंगा। मित्रों जो लड़ते हैं, जो थक कर हार कर नहीं बैठते, दृढ़ रहते हैं, सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमती है। कहीं मैंने बहुत सुंदर सी एक बात पढ़ी थी कि जहाँ दृढ़ता है वहीं सफलता है, दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। क्यों ना हम अपने मन में एक दृढ़ संकल्प रखें, जो हमने अपने जीवन में ठाना है उसे हम पाकर रहेंगे। बातें परिस्थितियाँ तो बहुत सारी आएंगी, उन्हें आने दें, लेकिन अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें तो सफलता निश्चित रूप से कदम चूमेगी। तो आप सफल होते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।